जिसको शाही हलीम भी कहते हैं, बहुत टेस्टी मज़ेदार, और मुहर्रम की मुनासबत से ये डिश बहुत अच्छी है। तो मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ और इसके बाद मैं ये ऑयल डालती हूँ उसमें। ऑयल बिल्कुल ये 2 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे बस, अभी हमें ज़्यादा नहीं डालना। ये ऑयल डाल दिया, इसके अंदर ही प्याज डाल दी, ये 1 स्मॉल प्याज लिए मैंने। अच्छा, ये लाइट ब्राउन हो जाए, 1 किलो मैंने ये बीफ लिया है जिसके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं, ये बगैर चर्बी के। और ये मैंने दालें ली हैं, आधी आधी प्याली सारी दालें लेके मैंने रात को इसको भिगो दिया था, और अभी ये भीगी हुई है, ये सारा भी है, सब भीगी हुई है, ये रात को भिगो दिया था मैंने। और 2 प्यालियाँ इसके अंदर मैंने गंदम की ली हैं, ये देखेंगे, ये लिए। और चने की दाल आधी प्याली है, लाल दाल आधी प्याली है, मूंग की दाल आधी प्याली है, और माश की दाल आधी प्याली है बस। और सारी दालें मैंने भिगो दी थी, और उसके साथ ही मैंने ये ग्यो भी भिगो दिया था। अभी मैं इसको चिल्लो आँच के ऊपर इसको बॉईल कर लूँगी अलग पतीली में। और ये पानी डालना है इसके अंदर, ये इसको बॉयल के मुताबिक इसके अंदर पानी डाल दूँगा बस। ये हो गया ये काम, अब मुकदर टेबल स्पून देना मुझे। ये लाइट ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर मैं गोश्त डाल देती हूँ। अच्छा, ये हलीम का मसाला है, अगर ये होममेड है, अगर इसका आपको रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूँगी इसकी रेसिपी। ये 1 स्पून इसमें डाल देंगे दाल के अंदर बस, और बाकी इसको मैं गोश्त के अंदर डालूँगी। और 1 टेबल स्पून मैंने मसाले का डाला है, और 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है सॉल्ट का बस। अब ये हल्की आंच के ऊपर ये तो ये हो गया इसका काम, इसको मैं मिक्स कर दूँगी इसको मसाले को इसके अंदर, और ये आराम से ये पकती रहेगी हल्की आंच के ऊपर ये दाल। अब ये है मेरा ये प्याज, लाइट ब्राउन हो गई है, इसके अंदर मैंने 2 चमचे ये अदरक लहसुन के, जिंजर और गार्लिक के, ये 2 टेबल स्पून के बराबर डाला है ये। मुझे गर्म पानी देना पड़ा बस, हो गया ये लहसुन भी हो गया, ये भूल गया। अब इसके अंदर मैंने ये गोश्त डाल दिया, जो ये मसाला था बाकी का, ये जो सब ये कितने टेबल स्पून है ये भी बता देती हूँ मैं आपको, 1, 2, 3 और ये 4 है, ये 4 टेबल स्पून इसमें डाले मैंने, ये 4 है ये बस। अभी आराम से ये इसमें गलता रहेगा, इसमें इतना पानी डाल दिया मैंने, ये इसको गोश्त को गलाना है मुझे बहुत अच्छा सा, ये इसमें बंद कर दूँगी ऐसे बस। अब ये दोनों चीज़ें, दाल इधर पक रही है, अच्छा ये दाल इधर हो रही है, दाल का भी मैंने स्लो करा हुआ है और इसका भी स्लो करा हुआ है। ये दाल गल गई है हमारी पूरी, बस अब इसको मुझे घोटना है, खाली घोटूंगी, अब मैं इसको घोटते हुए दिखाती हूँ। पूरी गल चुकी है ये, इसमें गेहूँ जो पड़ा हुआ था वो भी, हाँ वो भी गल गया, और दाल भी गल गई है बस। ये मैं दिखाती हूँ, और इसको इधर से ये दिखाती हूँ गोश्त,
गोश्त भी गल गया हमारा पूरा, दिखाती हूँ मैं। ये ठंडा हो जाए फिर मैं सारी मिक्सिंग दिखाऊंगी आपको। ये पानी तो बाद में डालेंगे दाल के अंदर, बस अब ये इसको मैं ये सारा कुछ इसमें डालेंगे और फिर इसके साथ इसकी कुटाई होगी। ये पानी भी इसका इसके साथ इसमें डालेंगे लेकिन घोटने के बाद डालेंगे, घोटने में मुश्किल हो जाएगा फिर। बस अब मैं आपको उसको पूरा घोट के दिखाती हूँ बाद में, ये क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अभी घोटने में। इससे 15 से 20 मिनट इसको घोटने में लगेंगे। ये छोटी बहू सलाद तैयार कर रही है। चलो भाई ये तैयार हो चुकी है और अब मैं फाइनल टच दिखा रही हूँ आपको निकाल के। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें रेशा, देखे रेशा रेशा ये रेशा। तो इसलिए अब हमारा खाने का टाइम भी हो रहा है और हम बेताब भी हो रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि ये तो सभी को पसंद है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद है। और आज हमारी मुहर्रम की 9 तारीख है तो हमने सोचा हम भी इसी मुनासबत से पका लें। नहीं गार्निशिंग नहीं कर रहे क्योंकि सब अपनी अपनी प्लेटों में खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना, सब खुद ही करेंगे क्योंकि फिर वो डिश में से कैसे करेंगे। नहीं कर देती हूँ यार, अच्छी नहीं लग रही। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये और आप लोगों का अगर ये टेस्टी लगती है चक्के देख लें, टेस्टी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे खाने में बहुत मज़ेदार है और बहुत मेहनत की बनी है। ओके अल्लाह हाफिज़।